हर शहरी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ ज्यादती के मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जब जर्नलिस्टों को ताक ताक के निशाना बनाए कोई भी स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर, तो उससे आम शहरी को ये पैगाम जाता है कि अगर सहाफ़ी महफूज नहीं है तो तुम किस खेत की मूली हो, तो उसकी इनसिक्योरिटी में ज़ाहिर है इजाफा हो जाता है। तो इसलिए हम इस बात को अलग करके देखते हैं कि जो सहाफत है, इसलिए कि अगर सहाफ़ी आज़ाद नहीं होगा तो फिर आवाज़ कैसे पहुँचाएगा और कैसे रद्द अमल को पेंट करेगा। दूसरी बात यह है कि आज तक बदकिस्मती से वैसे तो किसी को भी कैफर किरदार तक उस तरह से पहुंचाने की रिवायत नहीं है, लेकिन बिलखसूस सहाफ़ी जो हैं पिछले 20 बरस में जितने भी पाकिस्तान में वाकयात हुए हैं सहाफ़ियों के या मीडिया पर्सन्स के कत्ल के या हमलों के, उनमें से कोई भी जो मुजरिम था कि जो पिन पॉइंटेड हो गई यही है, उसको सज़ा हो सकता है हुई हो लेकिन कभी उसकी सज़ा पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो इससे एक मैसेज जो है सोसाइटी को जाता है, हमें आज़ादी है बोलने की, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बोलने के बाद की आज़ादी की कोई ज़मानत नहीं है। तो असल में बोलने के बाद की जो आज़ादी है वो चाहिए, उसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई मुफीद नतीजे निकल सकते हैं।